बाकी बच्चे नहीं आए हैं, यस मैम। कर लेते हैं। आज मैम तीनों क्लासेस लगेंगी, इंग्लिश के भी और रीजनिंग के भी। लगेंगी, बैठे रहो आज यहीं पे। आयुष करो वीडियो ऑन। 2 मिनट में कर रहा हूँ, थोड़ी देर में कर लेता हूँ। सिद्धांत, विवेक, आयुष, वीडियो यस ऑन मैम। करो, करो वीडियो ऑन। बस एक सेकंड, मेरे को सेटअप करने दो। मैम 2 मिनट मैम प्लीज, मैम वो खाना खा। यस मैम। शिवम, देखो यस मैम। करो वीडियो ऑन करो। मैं अभी स्कूल से आया था। स्कूल से आया था, चलो देखो। टाइम एंड डिस्टेंस। यस मैम। डिस्टेंस का क्या फॉर्म? हाँ जी मैम। कुछ नहीं मैम, कंटिन्यू। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। अगर यस स्पीड मैम। निकालनी है तो डिस्टेंस ऊपर ही रहेगा, टाइम नीचे चला जाएगा। यस मैम। अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस ऊपर, स्पीड नीचे आ जाएगी। यस दैट मींस मैम। डिस्टेंस हमेशा ऊपर रहेगा। ओके यस बिगड। ओके, मेरे को स्पीड किसमें दे रखी होती है, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर मीटर सेकंड पर। में दे रखी होती है? यस मैम। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में अगर जाना हो तो क्या फॉर्मूला होता है, किससे मल्टीप्लाई फाइव करना होता है? फाइव फाइव अपॉन बाय एटीन। 18। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18 बाय बाय 5। यस मैम। बड़े से छोटे में जाना है तो छोटा ऊपर बड़ा नीचे, अगर छोटे से बड़े में आना है तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे। ओके मैम। ओके, उसके बाद है,
अगर मुझे डिस्टेंस सेम दे रखा हो, डिस्टेंस सेम दे रखा हो आने और जाने का, और स्पीड अलग अलग हो, तो मुझे एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला, तो क्या होता है? मैम दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड? नहीं, डिस्टेंस सेम है मतलब कुछ भी डिस्टेंस है। यस मैम। मैं जा रहा हूँ वापिस आ रहा हूँ, लेकिन जा रहा हूँ 20 की स्पीड से, वापिस आ रहा हूँ 25 की स्पीड पे, तो मुझे बताना कि एवरेज स्पीड कब कितना? 25 माइनस 20। नहीं, 2 इंटू 20 इंटू, मतलब पहले फॉर्मूला लिख लो, 2xy अपॉन x प्लस y। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 2xy अपॉन x प्लस y, लेकिन कब? जब डिस्टेंस सेम हो आने और जाने का। ओके मैम। ओके, लेकिन जो अगर xy है, ये स्पीड है ना? हाँ जी, x ये y। लेकिन अगर अगर डिस्टेंस अलग अलग हो, जाने का डिस्टेंस अलग, आने का डिस्टेंस अलग, कुछ बड़े, ये कुछ 10 किलोमीटर है, ये 15 किलोमीटर है, इसमें मुझे कितने 1 आवर लगता है, इसमें 2 आवर लगता है, पता नहीं, मैं तो ऐसे ले रही हूँ वैल्यू, ठीक है? तब एवरेज स्पीड क्या निकलेगी? टोटल डिस्टेंस, स्पीड का वैसे फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस मैम। इसमें क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मतलब 10 प्लस 15, टाइम तो दे नहीं रखा मुझे, टाइम इसका अलग से निकालेंगे, इसका अलग से निकालेंगे, टाइम का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस मैम। स्पीड देनी थी, हमने टाइम दे रखा है। यस मैम। स्पीड, स्पीड कितनी होगी इसकी? 20 ले लेते हैं, इसकी 30 ले लेते हैं, चलो इसकी कितनी हो जाएगी? 20, इसकी हो जाएगी 15 अपॉन 30। ये कितना हो जाएगा? 10 अपॉन 20 हो जाएगा इसका टाइम, प्लस इसका टाइम कितना होगा? 15 अपॉन 30 हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, ये इसको कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा, वो टाइम आएगा। ठीक है, अगर डिस्टेंस सेम दे रखा हो तो 2xy अपॉन x प्लस y, अगर डिस्टेंस सेम नहीं दे रखा तो फिर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके मैम। ओके ओके मैम। उसके बाद है नेक्स्ट, देखो जैसे है, मैं कहती हूँ कि मैंने अपने ना घर से स्कूल जाती हूँ, अगर मैं कुछ 20 की स्पीड से जाती हूँ, अगर 20 की स्पीड से जाती हूँ, जितने बजे स्कूल लगता है ना, तो मैं लेट पहुंचती हूँ। कितने मिनट लेट पहुंचती हूँ? 5 मिनट लेट पहुंचती हूँ मैं। yes. लेकिन अगर मैं नेक्स्ट डे 30 की स्पीड से जाती हूँ, तो मैं 5 मिनट अर्ली पहुंच जाती हूँ। yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो मुझे बताना है कि मेरा घर स्कूल से कितनी दूर है। okay. Okay, तो उसका फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड्स मल्टीप्लाई डिफरेंस इन टाइम। और ये चीज क्या है? ये तो चलो होगा प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, मतलब 20 into 30। यस मैम। डिवाइड बाय डिफरेंस क्या होगा? 30 minus 20। यस मैम। मल्टीप्लाई डिफरेंस ऑफ टाइम क्या होगा? ये तो जीरो बन गया आपके अकॉर्डिंग तो। मैम 5 minus 5। नहीं, वो नहीं लेना, मैं बताती हूँ कैसे लेना है। अगर एक बार अर्ली है, एक बार लेट पहुंचता है, एक बार अर्ली और एक बार लेट पहुंचता है, तो हम प्लस करेंगे टाइम को। ओके मैम। अगर दोनों बार जल्दी पहुंच जाता है, अर्ली अर्ली, तो माइनस करेंगे टाइम को। ओके मैम। अगर दोनों बार लेट लेट होता है, तो फिर भी माइनस करेंगे। अगर सेम सेम है तो माइनस करेंगे, अगर अपोजिट है तो प्लस करेंगे। ओके। अब अर्ली और लेट है ना, तो 5 plus 5 कितना हो जाएगा? 10 मिनट्स हो जाएगा। लेकिन जो स्पीड दे रखी हो किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो, टाइम हमारा मिनट में है, तो मिनट को आवर्स में चेंज करने के लिए क्या करूंगी मैं? इनटू 60। इनटू 60? नहीं नहीं नहीं, 18 बाय
नहीं वो स्पीड को चेंज करना होता है, मैंने टाइम है अभी आयुष, वो स्पीड को चेंज करने के लिए होता है, ये टाइम है सिर्फ। 10 मिनट है, 10 डिवाइड बाय 60 वो आवर्स में चेंज हो गया, बस इसको कैलकुलेट कर लेना आगे। तो ये क्या आ जाएगा, आपका घर से कितनी दूरी है स्कूल की। ओके मैम। ओके ये थे बस फॉर्मूलाज, और कुछ नहीं है। करो फर्स्ट क्वेश्चन, हो जाओ स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन फर्स्ट। ओके मैम। An athlete runs 200 meter race in 24 seconds. Distance कितना दे रखा है 200 meter और time कितना दे रखा है 24 second. तो मुझे बताना है speed कितनी होगी। Speed का formula क्या होता है? Distance upon time. Distance 200 upon time 24. लेकिन ये किस पे स्पीड निकलेगी, मीटर पर सेकंड में? Yes, ma'am. लेकिन मुझे निकालनी किस में है, आंसर देखो किस में सब देख रखे हैं, किलोमीटर पर आवर में देख रखे हैं। तो मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से साथ के साथ ही। Yes, ma'am. ठीक है, क्योंकि मैंने क्यों नहीं करा, क्योंकि ये पूरा पूरा कट तो होगा नहीं, तो पॉइंट में आएगा, फिर पॉइंट को फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए साथ के साथ ही कर दो अभी। 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर आ गया। ओके सबका रहा 30। यस मैम। यस मैम। ओके क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन इज द फास्टर। तीन ट्रेन्स दे रखी हैं, मुझे बताना कि कौन सी फास्टर है। यस मैम। क्या करेंगे, कैसे करेंगे बताओ। मैम जो किलोमीटर पर आ रहा है उसको मीटर पर सेकंड में कर देंगे। हाँ, पहले हम ना सबके यूनिट सेम बना लेते हैं। yes, जैसे पहला मीटर पर सेकंड में, उसको वैसे रहने दो, बाकी सबको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। फर्स्ट वाला मीटर पर सेकंड में है ना, उसको वैसा रहने दो, जो बाकी वाले दो हैं उनको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। जैसे फर्स्ट है 25 मीटर पर सेकंड, क्वेश्चन नंबर टू है। वैसे सेकंड वाली ऑप्शन क्या है, 1500 मीटर पर मिनट। यस मैम। ऊपर तो मुझे मीटर नहीं चाहिए, नीचे मुझे सेकंड्स चाहिए। 1500 मीटर डिवाइड बाय 60 सेकंड, जीरो से जीरो कैंसिल। यस मैम। 5 5 5 6 5 30, 25 मीटर पर सेकंड ही आ गया। यस मैम। थर्ड ऑप्शन 19 5 18 कर दूं, 18 5 20, तो कितना गया 25 मीटर पर सेकंड ही आ गया। तीनों तो सेम ही आ गई, तो हमें क्या पता चला कि नन ऑफ दीज, कोई भी फास्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ मैन क्रॉसेस अ 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स। डिस्टेंस 600 मीटर, टाइम हमारा 5 मिनट है, तो हमें बताना स्पीड किलोमीटर पर आवर में। 120 किलोमीटर। मैं शायद से यस मैम 120 किलोमीटर बस 88 2 8 9 2 2 6। बताओ कितना आएगा। यस मैम। कितना आया मैम, आ रहा है 2 3 3 3 2 20 2500। मैम पॉइंट्स में आ रहा है, बताओ कितना पॉइंट आ रहा है। 9 0 1 मैम 3.6 आ रहा है। यस मैम। टाइम कितना दे रखा है मुझे, 5 मिनट्स दे रखे हैं। मुझे स्पीड बतानी है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मीटर में है, ये मिनट में है, किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो क्या करूं मैं इसको, इनटू 5 × 18 5/18। ये मिनट में, इसको तो चेंज करना था फिर। yes, इसको चेंज नहीं करा मैम, वो तो मीटर पर सेकंड के लिए है ना, 5/18 वाला। हाँ, तो ये इसको सेकंड में बनाना पड़ेगा, कितने सेकंड्स होते हैं, 5 × 60 60, कितना होगा 300। यस मैम। दैट मींस ये सेकंड्स बन गया। अब करो स्पीड क्या होगी, 600 अपॉन 300 मल्टीप्लाई 5। यस मैम।
मैम गलत आ वो नहीं हाँ, लग गलत आएगा 36/5 आएगा मैम 0.55 वो उसको आगे 7.2 यस मैम 7.2 शिवम वीडियो ऑन करो विवेक आप भी आयुष कर लो अब तो मैम थोड़ी थोड़ी मैम आपकी फिर अब वॉइस क्रैक हो जाती है ओके ओके आप कर लो कोई बात नहीं ऑफ कर लो क्वेश्चन नंबर फोर्थ If Sohali walks from his home to office at 16 km per hour, late by 5 minutes, if he walks at 20 km per hour, he reaches 10 meter before the office time. Find the distance of office from his house. M ho jayega. Kya hota hai product of speeds? Product of two speed upon product upon difference of two speed into difference between two arrival times. टाइम एक बार लेट पहुंच रही है एक बार जल्दी पहुंच रही है तो दोनों का प्लस करेंगे 15 डिवाइड बाय 60 क्योंकि मिनट्स में है यस मैम ये हो जाएगा 4 इनटू 15 बाय 60 23 जा 3 5 जा 4 4 जा तो कितना आ गया 20 किलोमीटर पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 a car is running at a speed of 108 किलोमीटर पर आवर व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 15 सेकंड जो आंसर देखो वो मीटर में दे रखा है दैट मींस मुझे स्पीड किलोमीटर पर आवर में नहीं चाहिए मुझे मीटर पर सेकंड में चाहिए स्पीड पहले चेंज करो मीटर पर सेकंड में किस किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 यस मैम करो कितना आता है मैम 30 मीटर पर सेकेंड और टाइम दे रखा 15 सेकेंड डिस्टेंस निकालो कितना आएगा 450 यस मैम सिद्धांत आपका यस मैम बस कैलकुलेशन कर दो शिवम आपका यस मैम आ गया यस मैम Yes, ma'am. आ गया क्वेश्चन नंबर 6 वन ऑफ द टू बसेस कंप्लीट अ जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर इन 7/2 आवर्स क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्टेंस है 300 किलोमीटर और टाइम कितना ले रही है 7/1/2 आवर्स दूसरी बस है जो वो डिस्टेंस चलती है 450 और टाइम लेती है 9 आवर्स इसकी स्पीड निकलेगी इसकी स्पीड निकलेगी उन दोनों की रेशियो बतानी है बस ये कितना हो जाएगा 15/2 यस मैम करो इसको 300 डिस्टेंस अपॉन टाइम टाइम कितना 15 जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा यस मैम इसका बताओ करके 40 आ गया पहले का मैम पहले का 40 40 है दूसरे का मैम 4:5 हां जी 4:5 सबका आ रहा है 4:5 यस मैम Yes, ma'am. Question number 7.
a truck cover a distance of 550 meter in 1 minute, whereas bus cover a distance of 33 kilometer in 45 minute. Ratio of their speed. पहले वाले की स्पीड निकालो, दूसरे वाले की स्पीड निकालो, फिर दोनों को रेशो निकालनी है. पहले पर याद रखना कि एक में ही आपने कन्वर्ट करना है, या किलोमीटर पर आवर में करो कन्वर्ट, या मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो. क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, डिस्टेंस 350 है, टाइम कितना है? 1 minute. मैम 3:4 आ गया. आ रहा है? यस मैम. ठीक है. दूसरा वाला डिस्टेंस कवर कितना करती है? 33 किलोमीटर और टाइम लगता है 45 मिनट. किस में चेंज करूं, किलोमीटर में या मीटर पर सेकंड में? मीटर पर सेकंड. ये तो मीटर में है, इसको सेकंड में चेंज करो. 1 मीटर, 1 मिनट था, 1 मिनट कितना होता 60 सेकंड. यस मैम. स्पीड कितनी आ जाएगी? 550 डिवाइड बाय 60. यस मैम. जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, 55 बाय 6 आ गई. इसकी निकालो, ये 33 है, इसको मल्टीप्लाई करो 1000 से, तो कितना आएगा? 33000. यस मैम. 45 मिनट है, मल्टीप्लाई 60 कर दो, पता नहीं कितना आएगा. स्पीड कितनी आएगी? 33000 डिवाइड बाय 40 × 60. 45 × 60, जीरो से जीरो कैंसिल. थ्री के टेबल पे थ्री टू जा, थ्री वन जा, थ्री वन जा, जीरो जीरो. फाइव के टेबल पे कैंसिल करते हैं, 5 9 जा 45, ये गया 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, जीरो. 220 ये गया 110. Yes, अभी तो नहीं कैंसिल होता, कितना आ गया? 110 डिवाइड बाय 9. रेशियो कितनी आएगी? 55 बाय 6 रेशियो 110 बाय 9. ऊपर वाले के साथ कट सकते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ. 3 2 जा 3 3 जा, ये 15 1 जा 55 1 जा 55 2 जा, तो कितना आ गया? 1:2, 2:3. अब ऐसे इसको सिंपल कैसे बनाते हैं? इसका एलसीएम लेके 6 हो जाएगा, 2 के टेबल पे 3, 3 1 जा 3, 3 के टेबल पे 2 पे 2 2 जा 4, तो कितना के इसको कर दो खत्म, तो 3:4 आंसर. क्लियर है ये चीज? यस मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रैवल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 माइल पर आवर फॉर दिस मिनट दिस आवर एंड दूसरी वाली जो ट्रेन है इतना टाइम इतना डिस्टेंस चलती है, तो बताना है कि दोनों ने 4 घंटों में कितना डिस्टेंस कवर करा. उसका ऊपर वाले जो पहली वाली ट्रेन है उसका डिस्टेंस निकालो, दूसरी वाली जो ट्रेन है उसका डिस्टेंस निकालो, फिर दोनों डिस्टेंस को प्लस कर दो. यही होगा विवेक? यस मैम. करो फिर, निकालो पहले वाले का डिस्टेंस. इसको चेंज नहीं किसी में करना, क्योंकि माइल्स में ही आंसर दे रखा है, तो इसको चेंज करने की कोई है नहीं नीड. स्पीड 50 इनटू पहली ट्रेन 125 माइल्स आ गया डिस्टेंस, दूसरे वाले का निकालो. मैम 50 आ रहा है पहले का. पहली वाली ट्रेन का मैम 50 तो वो मैम 1 घंटे में चल रही है. हाँ 50 तो उसकी वो दे रखी है, स्पीड ही दे रखी है. आप ना डिवाइड कर रहे हो उसको विवेक, मल्टीप्लाई करना. डिस्टेंस क्या से निकलता है? स्पीड इनटू टाइम. यस मैम. जो 50 माइल्स पर आ रहा है वो स्पीड है, डिस्टेंस नहीं है. वो 50 × 5/2 कितना होता है? 15 × 5/2. ओके 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 मैम. ओके ना. नेक्स्ट निकालो. 5 मैम. नेक्स्ट का आ गया 75. प्लस कर दो दोनों को. 1
मैम 300 नहीं ध्यान से प्लस करो 125 और 75 कितना होता है मैम 7 200 सॉरी 200 विवेक कितना निकला आंसर मैम सेकंड मैम हमें स्पीड दी हुई है ना 70 माइल्स और मैम टाइम दिया है हां जी पहले वाले का डिस्टेंस कितना निकलेगा 15 इनटू 5 बाय 2 250 125 आ गया 70 इनटू 3 बाय 2 हो जाएगा ये 35 पे गया ये 105 आया है आयुष आपका गलत आया था यस मैम वही मैं देख रहा था सेकंड वाले में 225 आएगा ओके कहाँ गलती करी थी कैलकुलेशन सेकंड वाले ट्रेन में 70 आएगा मैम सेकंड वाले में 70 हाँ जी मेरा 50 आ रहा है देखो कहाँ गलती करी है सामने करी हुई है कैलकुलेशन यस मैम उसमें हो गया जो सेकंड वाला था मैंने 35 इनटू 3 को मैम 75 लिखा है ओके क्वेश्चन नंबर 7 ए 9 सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 230 नहीं होना चाहिए 185 प्लस 125 नो सॉरी नहीं कुछ मैंने गलती करी है क्या नो मैम नहीं गलती करी है 230 आएगा यस मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन A man in a train notices that he can count 21 telephone posts in 1 minute. Ho gaya Siddhant? Ma'am, yes. Next question dekho. Ek ladka train mein baitha hua hai aur wo kitni matlab telephone post matlab ek pole hote hai na wo count kar raha hai kitne pole dekhta hai wo 21 telephone post dekhta hai kitne time mein 1 minute mein. एक मिनट में कितने काउंट करता है 21 पोस्ट काउंट करता है अगर एक और दूसरे पोस्ट में मतलब दोनों पोस्ट में कितना कितना डिफरेंस है 50 मीटर अपार्ट कितना डिस्टेंस है उसमें 50 मीटर है तो मुझे बताओ स्पीड क्या है ट्रेन की टाइम तो मुझे 1 मिनट दे रखा है yes, ma'am. स्पीड निकालने के लिए मुझे डिस्टेंस चाहिए yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो 21 पोस्ट है ना 1 2 3 4 5 मैं ना अभी 5 ही लेके चलती हूँ 21 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी ना 5 के अकॉर्डिंग 5 अकॉर्डिंग समझाती हूँ फिर देखना कैसे होता है जे देखो मैं कहती हूँ कि 1 मिनट में 5 पोस्ट देखती हूँ मैं देख रही हूँ yes, ma'am. और 2 पोस्ट में कितना कितना डिस्टेंस है 50 मीटर का yes, ma'am. That means, अगर मैं कहूँ कि 5 पोस्ट में कितना लग रहा है मेरे को टाइम कितना डिस्टेंस कवर कर रही हूँ 50 × 4 ना यस मैम यस मैम पोल मेरे पास 5 थे तो मल्टीप्लाई किससे कर रही हूँ 4 पोल मेरे पास 5 थे 5 पोल क्रॉस कर रही हूँ ना तो डिस्टेंस yes, कितना कर रही हूँ जितना डिस्टेंस दोनों में है मल्टीप्लाई 4 से कर रही हूँ क्योंकि डिस्टेंस 4 आएगा यस yes, मैम अगर 21 है तो फिर कितना होगा फिर डिस्टेंस मैम 20 से मल्टीप्लाई हाँ 21 है डिस्टेंस 20 मल्टीप्लाई 5 यही होगा यस मैम ये होगा मैम 1050 1050 ओके ओके 50 मीटर दे रखा है यस मैम 1000 मीटर हो गया ना 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर चलो अभी देख लेते हैं आगे टाइम मुझे दे रखा है 1 मिनट 1 मिनट मतलब 60 सेकंड यस क्या पूछा उन्होंने स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में स्पीड क्या क्या होती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम 1000 / 60 लेकिन ये आएगा मीटर पर सेकंड में इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करूं यस मैम कर दो 60 किलोमीटर पर आवर जीरो से जीरो कैंसिल देखते हैं ये 20 पे गया 6 × 3 = 18 तो कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर
मैं आपने यहाँ पे 5 पोस्ट को 15 टू 4 क्यों लिखा है मैम? यही तो समझाने के लिए कि जब 5 पोस्ट क्रॉस होती हैं तो मतलब डिस्टेंस कितना करती हूँ, डिस्टेंस 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो अगर 21 पोस्ट हैं तो 20 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो मतलब जितनी टोटल पोस्ट दी होती उससे एक कम से मल्टीप्लाई। हाँ ये समझ, मतलब ये थोड़ी सी अभी छोटा इसलिए वैल्यू लेके क्योंकि 21 पोस्ट बनाती क्या, इसलिए छोटी वैल्यू से समझा रही हूँ। तो एप्लीकेबल तो वो बड़े पर भी होगा वैसा का वैसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th। An express train traveled at an average speed of 100 km per hour, stopping for 3 minutes after every 75 km. How long it take to reach its destination 600 km from the starting point? मैम एक सेकंड, मैम बेल घर में, मैम एक में बेल बज रही है, एक सेकंड। ओके आयुष, पहले आप तो वीडियो ऑन करो, बहुत टाइम हो गया अभी तो, करो। मैं दौड़े कर रहा हूँ ना, मेरे कमरे में थोड़ा काम है, चल रहे हैं, 2 मिनट में कर लेता हूँ। शिवम करो आप। अभी तो क्यों ऑफ थी? मैम स्कूल से आया था, अभी तक ड्रेस भी नहीं उतारी है। तो फिर क्या हो गया, हमें कौन सा पता आपकी कौन सी ड्रेस है? शिवम आप बहुत प्यारे लग रहे हो, ऐसा क्या सोच रहे हो कि ड्रेस नहीं आपने चेंज की तो कोई बात नहीं, इतने प्यारे तो लग रहे हो। हम तो अपने स्कूल डेज मिस करते हैं यूनिफॉर्म के चक्कर में, कितने अच्छे डेज थे वो, हमें पता ही नहीं है। आप ये सोचो हमारे लिए तो वही है, ड्रेस ही है आपकी नॉर्मल। चलो देखो, An express train traveled at an average speed of 100 km per hour. Speed कितनी चल रही है? 100 km की, 100 km per hour की speed से चल रही है, और वो हर 3 मिनट रुकती है, कितने कितने टाइम बाद, कितने टाइम बाद नहीं, कितने किलोमीटर बाद, हर 75 किलोमीटर के बाद वो 3 मिनट रुकती है। तो मुझे बताओ टोटल टाइम कितना लगेगा अगर मैंने दूर जाना है, 600 किलोमीटर जाना है तो। ठीक है, अगर रुकती नहीं है, अगर नहीं रुकती, लगातार चलती जाती चलती जाती है, तो कितना टाइम लगेगा? टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यस मैम। यस मैम। डिस्टेंस कितना है? 600। स्पीड कितनी है? 75। कितना आएगा मैम? 6 आवर्स। 6 आवर्स। अगर रुकती नहीं है, 600 अपॉन 75 किस पे जाएगा? 5 के टेबल पे, 15 के टेबल पे, 15 75 से डिवाइड किया है 75 नहीं दे रखी 100 की स्पीड से चल रही है अगर वो रुक नहीं रही है तो। अभी रुकने वाला टाइम कैलकुलेट कर ले, इतना टाइम तो लगेगा लगेगा ना उसको। हमने रुकने का टाइम बस कैलकुलेट कर लेते हैं, वो प्लस कर देंगे उसमें, यही होगा ना? Yes, हमने बताना है कि जो चलती है वो तो टाइम लेगी लेगी, रुकने का टाइम हम कैलकुलेट करते हैं। देखो 75 चली, yes, ma'am. 3 मिनट रुकगी, फिर 75 चली, 3 मिनट रुकगी, फिर 75, फिर 75, yes, ma'am. 3 मिनट इधर भी रुकगी, कितना होगा 75 और 75? 150 150 और 150, 300, अभी 300 चली है, 600 जाना है, मतलब 4 बार ऐसे और जाना पड़ेगा उसको। Yes, ma'am. 3 मिनट इधर रुकेगी, 3 मिनट इधर भी तो रुकेगी, 3 मिनट इधर रुकेगी, फिर 3 मिनट इधर रुकेगी। यहाँ रुकने की जरूरत है लास्ट पे? No, ma'am. क्योंकि वो पहुंच गई डेस्टिनेशन पे। इनको टोटल कर दो, 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18 and 21 मिनट अलग से लगेंगे, मतलब 6 hours and 21 minutes। मैम अगर अगर यूनिट ज्यादा बड़ी हुई, जैसे ज्यादा किलोमीटर है मैम, फिर तो हम ऐसे कर नहीं सकते ना मल्टीप्लाई, मतलब जैसे यहाँ फिर आप, फिर आप ये समझ सकते हो, ऐसे कर लो, ये टाइम तो लगेगा ही लगेगा। यस मैम। दैट मींस जो जितने बार रुक रही है, कितने बार, 3 मिनट है ना रुक रही है। यस मैम। कितना होगा ये देखो, देखो 600 किलोमीटर जाना है, 75 के बाद रुक रही है, that means कितना आ गया, किस पे कट हो गया,
15 के टेबल पे 15 फोर्जा फोर्जा ये 15 फाइवजा 5 एटजा मतलब 8 बार रुकेगी. यस मैम. 8 बार नहीं 7 बार रुकेगी क्योंकि 8th बार जो पहुंच जाएगी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी मतलब 7 बार रुकेगी ना तो 7 × 3 = 21 तो वो 21 मिनट होंगे. ओके ओके यस मैम. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पढ़ो. क्वेश्चन नंबर 11th. अ मोटर कार स्टार्ट विद द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर विद इट्स स्पीड इंक्रीजिंग एवरी 2 आवर्स बाय 10 किलोमीटर. किस स्पीड से स्टार्ट करती है? 70 की स्पीड से स्टार्ट करती है लेकिन हर 10 किलोमीटर नहीं हर 2 आवर्स के बाद उसकी 10 किलोमीटर बढ़ जाती है. हाँ अगर 2 घंटे चलने के बाद उसकी स्पीड 10 किलोमीटर फिर बढ़ जाती है तो yes, मुझे बताना है कि 345 किलोमीटर जाना है और कितना टाइम लगेगा. देखो 70 की स्पीड से चल रही है. यस मैम. मल्टीप्लाई 2 आवर्स के बाद ही चेंजेस हो रही है ना. यस मैम. दैट मींस ये डिस्टेंस आ गया स्पीड इनटू टाइम क्या होता है डिस्टेंस मतलब 140 किलोमीटर चल गई. यस मैम. उसके बाद स्पीड कितनी हो जाएगी 80 की. मतलब मेरे पास 45 किलोमीटर अभी मैंने चलना है 45 किलोमीटर चलना है और स्पीड मेरी हो चुकी है 90 की. 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड है. टाइम मुझे बताना है कितना लगेगा. टाइम क्या होगा 45 डिवाइड बाय 90 1/2 मतलब 1/2 आवर हाफ आवर. दैट मींस टोटल टाइम कितना लगा 2 आवर + 2 आवर + 1 आवर कितना होगा 4.5 आवर. यस मैम क्लियर है ना. सिद्धांत समझ आया? यस मैम. हो गया क्वेश्चन करूं? Yes, नेक्स्ट देखो पढ़ो. Yes, अपने आप द स्पीड ऑफ अ कार इंक्रीजेस बाय 2 किलोमीटर आफ्टर एवरी 1 आवर. कह रहे हैं कि हर उसकी स्पीड 2 बढ़ जाती है हर 1 घंटे के बाद. If the distance traveled in the first 1 hour was 35 kilometer, अगर पहला जो पहले घंटे में उसने कवर करा डिस्टेंस वो 35 किलोमीटर था तो बताओ 12 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा. ठीक है. अब डिस्टेंस निकालना है मुझे स्पीड इनटू टाइम करते जाना है. लेकिन मुझे स्पीड ही नहीं तो पता ही नहीं ना. स्पीड पिछली बार तो दे रखी थी उन्होंने उसकी जो क्या इनिशियल स्पीड इतनी थी. अब इस बार तो दे ही नहीं रखी इनिशियल स्पीड कितनी है वो निकालेंगे पहले. उन्होंने बोला कि 35 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में सबसे पहले तो 35/1 कितना हो गया 35 की स्पीड ही होगी. यस मैम. इनिशियल स्पीड कैसे निकली? क्वेश्चन नंबर कितना है? 12. इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी फिर उसकी? 35/1 = 35 किलोमीटर पर आवर. यस मैम. देखो 35/1 आवर चलेगी. कुछ नहीं मैम. यहाँ पर भी आएगा 35 की स्पीड है 1 आवर चल रही है तो 35 किलोमीटर कवर करेगी. यस मैम. उसके बाद कितनी बढ़ जाती है स्पीड? मैम 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर आवर दैट मींस 37 की स्पीड हो जाएगी. फिर इस स्पीड से 1 किलोमीटर चलेगी तो 37 किलोमीटर कवर करेगी. फिर 39 की स्पीड हो जाएगी फिर 1 आर चलेगी तो 39 किलोमीटर कवर करेगी. ऐसे ही होगा? यस मैम. मैम जब तक 12 आवर नहीं आता. 12 आवर मतलब इसको 12 बार करना है. कितना फिर? yes, कितना आएगा? 41 आएगा फिर 43 आएगा 45 आएगा 47 49 51 53 55. देखो 12 बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.
अब इनको ऐड कर दो। हाँ जी करो ऐड। थर्टी सेवन, थर्टी नाइन, 41, 43, 47, 45। वीडियो नहीं ऑफ करनी, करो ऑन सारे। 552। कितना? 552। सब देखो करके इतना आ रहा है? मेरा 495 आ रहा है। आपने ये 35 ऐड करा था? यस मैम। फिर देखो आपकी कैलकुलेशन होगी, क्योंकि 552 ही आंसर आता है। मैम 552 ही है। यस मैम 552। आयुष देखो कहाँ गलती हुई है। किलोमीटर्स 552 किलोमीटर। चेक कर रहा हूँ। वीडियो नहीं ऑफ करनी, मैं उस पर चलूंगी नहीं फिर आगे, अगर वीडियो ऑफ करी तो। वीडियो ऑन रखो अपनी सारे। क्वेश्चन नंबर 13। अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन 12 मिनट्स। डिस्टेंस कितना कवर करती है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर कितने टाइम में? 12 मिनट मैम। स्पीड निकल जाएगी 12 मिनट्स में दे रखा है। तो मुझे निकालना है इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर। हमें पहले वाली स्पीड नहीं पता, पहले हमें स्पीड निकालेंगे तभी तो इंक्रीज करेंगे ना। यस मैम। पहले स्पीड निकालो। 120। स्पीड किसमें निकालनी है मुझे? किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। तो ये तो किलोमीटर में है, इसको आवर्स में चेंज करो, 12/60 हो जाएगा। यस मैम। 10 × 12/60 डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना? 15 ऊपर चला गया, तो कितनी आ गई? 50 किलोमीटर पर आवर। यस मैम। अभी मुझे कहते हैं ये खत्म होगी, अभी कहते हैं स्पीड कहते हैं 5 हम बढ़ा देते हैं, तो कितनी हो जाएगी? 55 मैम। डिक्रीज बोला है। डिक्रीज बोला है। 45 फिर हो जाएगी। यस मैम। 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो बताओ टाइम हमने बताना है, सेम डिस्टेंस कवर करना है, डिस्टेंस सेम लेना है पहले जितना ही, 10 किलोमीटर। तो टाइम बताना है, 10/45 आएगा? Yes ma'am, 1/5, 2/9 हो गया। 1/9 कितना हो गया? 5 2s are 5 9s। Yes ma'am। 2/9 है, इसको मैं चेंज करूंगी, मिनट में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 60 करो इसको। 3 3s are 3 20s are 40 में आएगा। अभी और भी जा रहा, 40/3 आ गया। करो इसको। यस मैम। किस पे जाएगा ये? 13 1/3। 13 तो ये मिनट आ गए, लेकिन ये सेकंड्स में जाएगा, इसको फिर मल्टीप्लाई 60 करना पड़ेगा। यस मैम। तो कितना होएगा? 20। यस 30 मिनट एंड 20 सेकंड। यस मैम। Yes, ma'am. Next question. An aeroplane cover a certain distance at a speed of 240 km per hour in 5 hours. डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। 240 इनटू 5 कर दूं मैं? यस मैम। यस मैम। कितना आ जाएगा? 0 5 4 इज 20 2 5 2 इज 10 और 2 12 12 किलोमीटर। टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1 2/3 आवर। खत्म बात। डिस्टेंस कहते हैं सेम कवर करना है, मैंने 1200 ही कवर करना है और मेरे को टाइम लगना चाहिए 1 2/3 आवर। तो मुझे बताओ स्पीड कितनी होगी?
स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस मैम, डिस्टेंस 1200। टाइम को पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में बनाओ, कितना होगा? 5/3। 5/3, ये 5 नीचे 3 ऊपर। यस 720 किलोमीटर पर आवर। यस मैम। शिवम क्वेश्चन करनी नहीं साथ साथ? हम कर रहे हैं, ये रफ नोटबुक पास से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15th। A person has to cover a distance of 6 km in 45 minutes. उसने डिस्टेंस कितना कवर करना है? 6 किलोमीटर कवर करना है, और कितने टाइम में? 45 मिनट में करना है कवर। इफ ही कवर वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन वन थर्ड ऑफ द टाइम, वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस कितना? 3 किलोमीटर। यस मैम। और टाइम कितना लेता है? वन थर्ड ऑफ टोटल टाइम। वन थर्ड टोटल टाइम कितना दे रखा है? 15 मिनट में कवर करता है। यस मैम। टू कवर द सेम रिमेनिंग डिस्टेंस इन द रिमेनिंग टाइम हिज स्पीड मस्ट बी रिमेनिंग टाइम और रिमेनिंग डिस्टेंस 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर क्योंकि 6 किलोमीटर टोटल था ना, 3 मीटर हो गया, 3 मीटर रह गया। टाइम रिमेनिंग कितना? 45 टोटल था, 15 मिनट बीत चुके हैं, 30 मिनट। यस मैम। यस। स्पीड निकालनी है। स्पीड किसमें निकालनी है? किलोमीटर पर आवर में। दैट मींस ये तो किलोमीटर में, इसको आवर्स में चेंज करो। यस मैम। क्या आएगा? डिवाइड बाय 60, 1/2। 1/2 आवर। यस मैम। यस मैम। स्पीड ओवर टाइम। स्पीड कितनी है? 3। टाइम कितना है? 1/2 ऊपर, तो कितना लगेगा? 6 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर A can complete a journey in 10 hours. Total time usko 10 hours lagte hain. He travel first half of the journey at this speed and second half of the journey at this speed. Find the total journey in kilometer. Batao kaise karenge? मैम वो 5 किलोमीटर 21 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलते हैं और दूसरा 5 किलोमीटर 24 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, डिस्टेंस सेम है। हमें क्या पता अभी वो 5 आवर्स ही लगते होंगे, क्योंकि स्पीड देखो चेंज है। स्पीड सेम हो तो फिर तो मैं कह दूं कि 5 आवर्स लगते होंगे। स्पीड दोनों को चेंज है, स्पीड बढ़ती होगी तो कम टाइम लगता होगा, कम होती होगी तो ज्यादा टाइम लगता होगा। तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि 10 आवर 5 आवर होगा? नहीं ना। यस मैम। मुझे टोटल टाइम दे रखा है। यस मैम। क्वेश्चन नंबर है 17 मैम। टोटल टाइम मैम मैं बताऊं मैम, टाइम 1 प्लस टाइम 2 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर मैम। विद टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ वही वही करना है। पहले वाले को जो टाइम लगेगा वो T1, दूसरे वाले को जो टाइम लगेगा T2, इक्वल टू टोटल टाइम। यस मैम। पहले वाले का टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मुझे पता नहीं, डिस्टेंस x ही मान लूं मैं। मैम 2x ले लें, फिर फ्रैक्शन में नहीं आएगा, मतलब 2x ले लें टोटल डिस्टेंस। नहीं आप x x ही मान लो, क्योंकि उन्होंने बोला ना कि सेम सेम डिस्टेंस है, हाफ ऑफ डिस्टेंस कवर करता है, उसको x x मान लो आप। ओके आप इसको ऐसी मानना 2x ही पड़ेगा, टोटल 2x है, दैट मींस हाफ एक्स हाफ एक्स। यस मैम। यही होगा। यस मैम। एक्स ले लेते हैं, डिवाइड बाय ऑन द स्पीड कितनी है पहले? 21। दूसरी बार जो टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस तो सेम ही है, टाइम स्पीड कितनी है? 24। यस मैम। इक्वल टू टोटल टाइम कितना? 10 आवर्स। या इसका एलसीएम लो, फिर एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। लो एलसीएम, कितना आएगा 21 और 24 का? 168।
168, देखो सब निकाल के। तुम 158 168 यस मैम। किस पे जाएगा? 158 158 68 158 तो नहीं बनेगा शिवम। ये किस पे जा रहा है? 8 पे। यस किस पे जा रहा है? 8 पे जा रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1680, तो एक्स कितना आ गया? 1680 डिवाइड बाय 5। 15 पीछे बचा 18। 112 तो उन्होंने क्या पूछा है? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना था? 1612 प्लस 112। यस मैम। प्लस कर दो दोनों को, कितना आएगा? 24। I'm 224. 224. ये कर लिया क्वेश्चन सबने? यस मैम। यस मैम। हेलो। क्वेश्चन नंबर है 18। अ पर्सन ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस विद स्पीड। क्वेश्चन 17। ओके क्वेश्चन 17 है। अ पर्सन ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस विद स्पीड दिस 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 एंड टेक अ टोटल टाइम ऑफ 47 मिनट्स। भाई तीन टाइम दे रखे हैं मुझे, मतलब तीनों का टोटल, जो तीनों को जो टोटल टाइम है, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 कितना दे रखा है मुझे? 47 मिनट दे रखा है मुझे। डिस्टेंस कितना है? वो कहते हैं इक्वल डिस्टेंस है सबका। XXX तीनों का जो डिस्टेंस है वो सेम, डिवाइड बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितनी है स्पीड पहले? 3 किलोमीटर पर आवर। इक्वल टू 47 मिनट है, लेकिन मुझे मिनट में नहीं चाहिए, मुझे आवर्स में चाहिए, तो डिवाइड बाय 60 कर दूंगी। यस मैम। यहां से निकालो एक्स की वैल्यू, बताओ कितनी आएगी। कार ड्राइवर ट्रेवल फ्रॉम द प्लेन टू हिल स्टेशन विच आर 200 किलोमीटर अपार्ट एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस मुझे 200 किलोमीटर दे रखा है, मुझे 40 दे रखी है। इन द रिटर्न ट्रिप ही कवर द सेम डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, और आते हुए उसकी स्पीड हो जाती 20। तो हमें बताना है एवरेज स्पीड। अब देखो जा भी उसी जगह रहा है, आ भी उसी जगह से रहा है, मतलब आने और जाने का डिस्टेंस सेम है। सेम है तो एवरेज स्पीड कैसे निकलती है? 2xy upon x 2 into S1 into S2 upon S1 plus S2। हाँ, put करो value। Speed कितनी है जाते time? 40, आते time 20। Put करो value, बताओ कितनी आएगी सिद्धांत? Yes। 160 आगे speed। 160 upon 60। 160 upon 60। नहीं 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 2 × 40 × 20 upon 40 + 20 0 0 से 0 6 2 4 2 16 16 2 6
मन में क्वेश्चन था मैम एक मैम मेरे मन में क्वेश्चन था मैम एक बोलो मैम जैसे अभी मैम वो एंट्रेंस पोस्टपोन हो रही मैम मैम तो उससे क्या मैम क्लासेस का मैम ड्यूरेशन को इफेक्ट पड़ेगा या फिर टाइमिंग्स वगैरह सब सब सेम ही रहेगी मैम बताएंगे ये तो ये मैम बताएंगे ओके मैम 80/3 आ गया मेरा इसको पॉइंट्स में करो ओके फिर आया 16/6 मैम वो जो 14/20 वो 2×800 आ जाएगा मैम वो कर देती हूँ रुको मैम आप करके क्वेश्चन नंबर आपका कितना बन रहा है मैम 18th मैंने पहले भी 18th लिखा मेरा ये 17th होगा ना फिर क्वेश्चन नंबर 18th है 2×40×20/40+20 यस मैम 2×40×20/60 यस मैम 0 से 0 कैंसिल यस मैम 2 के टेबल पे 2 3 जा कितना हो गया 80/3 आ गया यस मैम ये गया 2 पे फिर बचा 20 6 पे 66 करके आएगा तो 26.67 यस मैम मैम हमारी क्लास कितने से कितने है ये वाली चलेगी आपकी 45 तक मैम मतलब सेम ही टाइमिंग है वैसे ना आपका सिद्धांत ये करते हैं ना पहले वैसे तो टाइम था नहीं अभी चलो टाइम है ना हम करके ना सिलेबस खत्म आपके टेस्ट ले लेते हैं यस मैम क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं होते ना तब तक पता नहीं चलता हमें क्या आता है क्या नहीं आता है हाँ पहले सिंगल चैप्टर का या फिर इकट्ठा जैसे भी वो हम डिसाइड कर लेंगे लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि टेस्ट लेते हैं पता चल जाता है आपको भी कौन कौन से चैप्टर हो रखे हैं कौन कौन से नहीं हो रखे हमारे सही से ना कि मैं आपसे जो उसके बाद मैम आप एक रात को टेस्ट दे दोगे जो हमें लाइक सबमिट करना होगा ऑनेस्टली हाँ वही वही मैम ये लास्ट चैप्टर है ना हमारा आपका लास्ट ही हाँ जी लास्ट ही देख लो अभी भी बता देना मैम क्लोक्स रह गया मैम मेरा बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स भी रहता था एक बस ये ना इसके बाद चैप्टर चलेगा ट्रेन्स वाला ट्रेन्स के बाद बोट एंड स्ट्रीम चलेगा तो फिर मैं आपको बता दूंगी मतलब मैम बता देंगे आपको तो फिर आप उस दिन भी कर लेना ठीक है ओके मैम और विवेक आपको बता देंगे क्लोक वाला किस दिन चैप्टर चल रहा फिर आप उस दिन कर लेना ओके ओके मैम क्वेश्चन नंबर 20 अ बॉय गोज हिज स्कूल फ्रॉम हिज house at speed of this and return at a speed of this if we take 5 hours in going and coming the distance between his house and school is jaate aur jaane mein aur aane mein total time usko lag raha hai 5 hours matlab t1 plus t2 mere paas hai 5 hours jaate hue distance kitna hai mujhe pata nahi distance upon speed hi hota na time yes ma'am distance upon speed kitni hai jaate time 3 आते हुए डिस्टेंस उतना ही है स्पीड है 2/x/2 यस मैम बताओ कितना आएगा 6 किलोमीटर 3 मैम 6 आई है यस मैम वीडियो सबने बंद कर दी करो वीडियो ऑन मैम मैं खाना खा रहा था बाकी करो बाकी भी खाना खा रहे हैं यस मैम सब खाना खा रहे हैं मैम मेरी मैम पेपर था ना आज तो मैं थोड़ी देर 2:40 मतलब थोड़ी पहले ही आया था क्लास से नेक्स्ट क्वेश्चन 20th अब बॉय राइड ही बाइसाइकिल 10 किलोमीटर एंड एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर अगेन ट्रैवल 12 किलोमीटर एंड एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड हमने निकालनी है दोनों डिस्टेंस अलग अलग है ना यस मैम डिस्टेंस अलग है स्पीड अलग है तो एवरेज स्पीड कैसे निकलती जब डिस्टेंस अलग हो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम
ये क्वेश्चन नंबर आपके अकॉर्डिंग कितना है? 20th? 19, 20, 20. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस मतलब पहली बार कितना था डिस्टेंस? 10, दूसरी बार 12. टोटल टाइम, पहली बार टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. दूसरी बार डिस्टेंस 12 है, स्पीड है 10. इसको सोल्व करना है आपने. ऊपर तो 22 हो गया, नीचे एलसीएम लेंगे? यस मैम. बताओ करके कितना आएगा? मैम 60. सारा डिवाइड वगैरह करके सब कुछ 60 आएगा? नहीं मैम, एलसीएम 60 आएगा. ओके, एलसीएम 60 आ रहा है. ठीक है, करो आगे. मैम 50 प्लस 72. 50 प्लस 72. 22, ये 60 ऊपर चला जाएगा. यस. ये कितना हो जाएगा? 122. कट करो इसको. ये 11 पे गया. ये 2 6 2 1 कितना गया? 660/61 आ गया. बताओ कितना आएगा? मैम 61 प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर नहीं है. हाँ, ये 10 पे चला जाएगा पहले तो. 61 10 का कितना होता है? 6 10 होगा ना. कितना बच गया? 50 बच गया. मैम 10.81 आ गया. मैम 10.81 अपॉन 61. ये मेरा नंबर है. अच्छा, पॉइंट्स में है, पॉइंट्स में आना है. आगे देखो कितने, किस पे जाएगा? क्वेश्चन नंबर है 21. अ मैन ट्रेवल्स 600 किलोमीटर बाय ट्रेन एट 80 किलोमीटर पर आवर. ट्रेन से जा रहा है 600 डिवाइड बाय 80. ये टाइम निकल जाएगा? यस मैम. कितना आ जाएगा? फिफ्टीन बाय टू. यस मैम. T1, T2, ट्रेन से जा रहा है इतना, और फिर आता है शिप. शिप से 800 जाएगा. टाइम कितना ले रहा है? स्पीड कितनी है? 40 की? 20 आ जाएगा टाइम. 20. फिर T3. मैम 400 की स्पीड से तो 4. T4. 50 की स्पीड नहीं, 150 की स्पीड. 2. लेकिन मुझे टाइम नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालनी है. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है जब डिस्टेंस अलग अलग हो तो? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे पास? 600 प्लस 800 प्लस 400 प्लस 100 डिवाइड बाय टोटल टाइम. टाइम कितना है? 15 बाय 2 प्लस 20 प्लस 4 प्लस 2. इतना ही आएगा. कर दो. ऊपर कितना बना? कितना बना मैम? हाँ जी. 1900 एरोप्लेन वाले केस में 500 आएगा ऊपर. मैंने कुछ गलत लिखा? 500 जी. हाँ जी, 500 अपॉन 400. कहाँ? यहाँ आना था ना. यहाँ पे 3/4 है. 5/4 आएगा. यस मैम, 5/4. यहाँ पर भी 500 ही आएगा. यहाँ पर 5/4 आएगा. ऊपर कितना बन गया? 14 प्लस 5 19 प्लस 10 2000.
नीचे तो एलसीएम भी लेना पड़ेगा, 4 आएगा एलसीएम। यस मैम। कितना जाएगा? 30। ये 80 प्लस 5 ये 5 ये 8 2000 इंटू 4 हो जाएगा, ये कितना बन गया? 123। यस मैम। कितना बन रहा है? यस मैम 123 आ रहा है। बस इसको कर दो डिवाइड, फिर कितना आएगा? 8000 डिवाइड बाय 123। मिक्स फ्रैक्शन में करना है इसको। ओके। मैम 65 5 by 123। यस मैम 65 5 by 123। यस मैम किलोमीटर पर आवर। ओके डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है 22। अ कार ट्रैवलिंग विद 5/7 ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड कवर 42 मिनट 2 किलोमीटर इन 1 आवर 40 मिनट 8 सेकंड 48 सेकंड भी है साथ में, तो हमें बताना है एक्चुअल स्पीड। अगर एक्चुअल स्पीड वो एक्चुअल स्पीड में एक्स मान लेती हूँ, उसकी करंट स्पीड कितनी है? किस पे चल रही है, किस स्पीड पे? सबने खाना खा लिया, करो वीडियो ऑन। एक सेकंड मैम। करो शिवम ऑन। एक्चुअल स्पीड और करंट स्पीड में क्या फर्क है? मतलब जिस स्पीड पे ये चलना चाहिए था लेकिन किसी और स्पीड पे चल रही है वो। ठीक है, तो अभी किस स्पीड पे चल रही है? 5/7 ऑफ एक्चुअल स्पीड, मतलब 5/7 ऑफ एक्स। यस मैम। डिस्टेंस कितना कवर करती है? 42 किलोमीटर। यस मैम। टाइम कितना लेती है? 1 आवर 40 मिनट। 1 आवर 40 मिनट एंड कुछ सेकंड्स भी है, कितने सेकंड है? 48 सेकंड भी है। अब किस में चेंज करूं इसको? वैसे निकालना तो मुझे किसमें है, किलोमीटर पर आर में है, ये तो किलोमीटर में, इसमें आर्स में चेंज करना है, लेकिन ये तो फ्रैक्शन में बन जाएगा। यस मैम। इसको अच्छा है हम मल्टीप्लाई ना कर दे, 1 आर में कितने सेकंड्स होते हैं, सबको सेकंड में चेंज कर देते हैं, मतलब 3600 प्लस 40 मिनट है, 40 × 60 कर दूं, सेकंड में चेंज हो जाएगा, प्लस 48 3600, ये कितना बन जाएगा? 2400, और ये कितना? 48, तो कितना बन गया? 48, ये बन गया 10, 6040। हाँ, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, फिर कितना हो जाएगा? 42,000 मीटर आएगा। स्पीड कितनी आएगी? स्पीड कितनी निकलेगी? 42,000 डिवाइड बाय 6048, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में, इसको किलोमीटर पर आवर में तो करना है, तो 18/5। यस मैम। उनके अकॉर्डिंग ये स्पीड बनती है, मेरे अकॉर्डिंग मैंने क्या मानी थी? 5/7x मानी थी, तो दोनों इक्वेट कर दूं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बस x की वैल्यू निकालनी है मुझे, यहां से कर दो, ये कर दो 42000 * 8 5 * 6048 इधर लेके आओ, 7 ऊपर 5 नीचे, 0 = 8 क्यों की है? इक्वेट क्यों की है? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग डिस्टेंस दे रखा था, टाइम दे रखा था, उनके अकॉर्डिंग स्पीड कितनी बननी चाहिए? ये वाली। यस मैम। लेकिन मैं कह रही हूँ कि स्पीड पे चल रहा है। ओके। तो फिर दोनों इक्वेट होंगी ना? यस मैम। करो इसको, 6 के टेबल पे कैंसिल करो, 6 3 6 1 6 0 0 8, ये जाए फिर जाएगा, 3 3 9 1 0 3 3 9 1 8 3 6 18।
ये 7 के टेबल पे जाएगा, 7 4 जा 28, 5 6 7 8 जा 56, 6 के टेबल पे 6 7 जा 42, पीछे ट्रिपल 0, ये 6 8 जा 48, 5 के टेबल पे कैंसिल करो, इस पे कितने पे जाएगा, x दोबारा लिख लेती हूँ, x कितना आया मेरे पास 7000, सब कुछ कैंसिल हो चुका है, नीचे कितना बच रहा है 5 into 8 into 5, ये किस पे जाएगा 12 पे नहीं 1400 पे, ये किस पे जाएगा 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 0 अभी जाता है ये 7 भी आएगा, 8 3 जा 24, पीछे बचे 4 0 8 5 जा, तो x कितना आ गया मेरे पास 35 किलोमीटर है ना ऑप्शन, हाँ जी डी ऑप्शन है। ओके यस मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन कैन रीच अ सर्टेन प्लेस इन 30 आवर्स, एक प्लेस पे पहुंचा 30 आवर्स में, अगर वो अपनी स्पीड 1/15 कम कर दे तो वो पहुंचता है 10 किलोमीटर कम पहुंचता है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कह रहे हैं कि टाइम उसको दे तक है 30 आवर्स, ओके यस 30 आवर्स दे रखा है, अगर वो स्पीड अपनी डिक्रीज करता है, पता नहीं कितनी करता है, पहले पता होना चाहिए डिक्रीज, पहले स्पीड कितनी थी, इनिशियल स्पीड हम एक्स मानते हैं, तो करंट स्पीड कितनी हो जाएगी फिर, एक्स माइनस 1/15 ऑफ एक्स, यस मैम, डिक्रीज कितनी करता है 1/15 करता है डिक्रीज, यही होगी, यस मैम, कितनी हो जाएगी फिर ये 15 एलसीएम लेंगे 15x माइनस एक्स कितनी हो जाएगी 14x बाय 15 हो जाएगी, यही होगी, यस मैम, देखो टाइम मुझे नहीं चेंज, टाइम कहते चेंज नहीं करना, उसी टाइम में अगर स्पीड हम कम कर देंगे तो डिस्टेंस कम ही चलेंगे ना, yes, ma'am. अगर मेरे पास टाइम उतने का उतना ही है, स्पीड में कम कर देती हूँ तो ऑब्वियसली टाइम मैं उतना डिस्टेंस कवर नहीं कर पाऊंगी जितना करना चाहिए था, कम करेंगे मैम, यस ठीक है, तो कितना कम कर रही है वो 10 किलोमीटर कम कवर कर रही है, मतलब मुझे डिस्टेंस दे रखा है कम 10 किलोमीटर, Yes, मतलब जो डिस्टेंस पहले मैंने कवर करना था एक्स स्पीड पे, वो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है मेरे पास, पहले एक्स थी, टाइम कितना था 30 माइनस, अभी कितना कर रही हूं मैं, स्पीड कितनी है 14x बाय 15 और टाइम कितना मेरे पास 30, यस मैम, यहां से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, यस मैम, हो जाएगा ये क्वेश्चन, यस मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर है 24, अ ट्रेन व्हेन मूव्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर रीचेस इट्स डेस्टिनेशन ऑन टाइम, अगर 40 की स्पीड पे चलती है तो वो अपने सही टाइम पे पहुंच जाती है, व्हेन इट्स एवरेज स्पीड बिकम्स 35 किलोमीटर पर आवर, अगर वो अपनी स्पीड कम करती है 5 तो अपनी डेस्टिनेशन से 15 मिनट लेट हो जाती है, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, कैसे निकालेंगे मैम, टाइम 1 माइनस टाइम 2 इज इक्वल टू 15, हां मुझे क्या कहते हैं कि 15 मिनट मैं जल्दी पहुंच जाती हूं ना अगर स्पीड करते हैं, दैट मींस जो पहले टाइम था माइनस जो दूसरा टाइम है उसका डिफरेंस मुझे 15 मिनट दे रखा है, यस मैम, यस मैम, टाइम कब ज्यादा लगेगा, जब स्पीड मेरी कम होगी, यस मैम, टाइम कौन सा ज्यादा लगेगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 24,
मतलब टी टू ज्यादा होगा टी वन कम होगा, यही ना? दूसरी बार टाइम ज्यादा लगेगा जब स्पीड कम होगी तो? यस मैम। टाइम कैसे निकलता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है मेरे पास? दे नहीं रखा, एक्स ले लेते हैं। स्पीड कितनी होगी उस टाइम पे? 35 35 किलोमीटर माइनस डिस्टेंस एक्स ही है। स्पीड कितनी थी पहली बार? 40 इक्वल टू 15 मिनट है, लेकिन 15 मिनट नहीं लेना मुझे, 60 डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आवर्स में दे रखा है। यस मैम। यहां से होके हो जाएगी कैलकुलेशन, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यस मैम। यस मैम। बस क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 तक करी कर लेते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, मैं कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एंड सम स्पीड। मैम ये लेसरली वाला ही है। इफ ही हैड मूव, ये करना आप ट्राई, ऐसे नहीं है, ऐसे तो होगा नहीं, मैं सारे नहीं करवाऊंगी, आप करना उसके बाद देखो कौन सा नहीं हो सकता आपसे, देखना जरा, देख के पता चल ही जाएगा। स्पीड रेशो, मैम ये एक बार मैम रेशो वाला समझा देना, मैम कर लेंगे 27 में, ये समझाना है इसमें क्या करना है। इन कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस द स्पीड ऑफ ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 3:4, ए और बी की मुझे स्पीड कितनी दे रखी है? 3x और 4x सपोज कर लेते हैं। स्पीड ऑफ ए रेशो बी 3:4। यस मैम। टेक्स 30 मिनट लेस मोर देन बी टू, इसकी स्पीड कम है इसकी स्पीड ज्यादा है, तो टाइम कितना ज्यादा, इनका टाइम का डिफरेंस दे रखा है मुझे 30 मिनट, मुझे दे रखा है स्पीड की रेशो, आगे मुझे क्लू दे रखा है टाइम का, मुझे स्पीड से टाइम की रेशो बनानी आती है। स्पीड से टाइम की रेशो, हाँ जितनी स्पीड की रेशो होती है ना टाइम की, वो रेसिप्रोकल कर देते हैं, 4:3 हो जाएगा। स्पीड की अगर रेशो दे रखी हो, टाइम की रेशो कैसे निकलती है? रेसिप्रोकल हो जाता है उसका। यस मैम, वो हमने किया था बोट एंड स्ट्रीम्स में। हाँ बोट एंड स्ट्रीम में करा था, वैसे तो यही पर आपको समझाना होता है, लेकिन वो बोट एंड स्ट्रीम हमने पहले कर लिया था तो इसलिए। चलो मतलब ए का टाइम 4x आ गया। yes, और बी का टाइम मेरे पास 3x आ गया, और उनका डिफरेंस मुझे कितना दे रखा है? 4x माइनस 3x कितना दे रखा है मुझे? 30 मिनट्स है। यस मैम। तो x कितना आ गया मेरे पास? 30 मिनट। 30 मिनट। किसका पूछा उन्होंने? उन्होंने टाइम टेकन बाय ए, ए का को ए कहां पर है? ये रहा, मतलब 4x, 4 into 30 मतलब 120 मिनट आ गए। 120 मिनट क्या होते हैं? 2 मिनट। 2 hours। यस मैम। टाइम स्पीड की रेशो दे रखी हो तो टाइम की क्या हो जाती है? उसका रेसिप्रोकल। अगर 3 होती तो क्या करते? जैसे मान लो 3, 4, 5 होती, फिर क्या करते? मैम फिर 2 सपोज करके कर लेते हैं। हां मैम 2 सपोज करके कर लेते 3। मतलब पता क्या होता है 2 में तो सीधा, पता क्या वैसे फार्मूला उसका क्या मतलब होता है, उल्टा कैसे करना होता है? 1/4, 1/3। यस मैम। रेसिप्रोकल, सॉरी गलत लिख लिया, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/3, 1/4, ये मतलब हो जाता है टाइम का। लेकिन हम इनको करेंगे ना, करेंगे कितना आएगा? 12, 3 के टेबल पे 4 पे, 4 के टेबल पे 3 पे, तो ये चीज बन गई, हम नीचे से हटा देते हैं। ओके। अगर तीन चीज आएंगे तो क्या करेंगे? 1/3, 1/4, 1/5 फिर आएगी वैसे। ओके मैम। टू होता है तो फिर तो सीधा ही आप याद रखो, 2 चीजें हैं, 2 है तो फिर तो बस उनका रेसिप्रोकल कर देना बस। ओके। 3 है तो फिर वैसे वैसे करके करना पड़ेगा। ओके। ओके मैम। थैंक यू मैम। मैम खत्म क्लास। पता टाइम कितना हुआ है? अब खुद आप ही सोच लेते हो। ये 5 आप कह रहे थे 40 हो गए मैम वैसे। 40 हुए हैं ना अभी। चलो 5 मिनट हैं अभी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा नहीं होगा। स्पीड हैव बीन इंक्रीज बाय 4 के एंड सेम ये हो जाएगा। इफ द पर्सन टॉक्स इन
मैम 30 सेकंड. अ थीफ वाला? यस मैम. अ थीफ इज नोटिसेस बाय नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर. मतलब वो जब चलना स्टार्ट करा थीफ के पीछे तो 200 मीटर का दोनों में डिफरेंस था. यस मैम. ठीक है. द थीफ स्टार्ट रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजेस हिम. उसने इतनी दूरी से देखा, जब देखा तो चोर भागना शुरू, उसके पीछे पुलिसमैन. द थीफ एंड द पुलिसमैन रन एट द स्पीड ऑफ रेट ऑफ 10 किलोमीटर एंड 11 किलोमीटर पर आवर. किसकी स्पीड किसकी ज्यादा होगी, थीफ की या पुलिसमैन की? सेम डायरेक्शन में जब भागते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है. सेम डायरेक्शन में अगर भागते हैं तो स्पीड हो जाती है माइनस. अगर अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं तो फिर क्या होती है? प्लस होती है. चलो 11 माइनस 1 कितना हो गया? 1 किलोमीटर पर आवर. मतलब स्पीड दोनों की कितनी आ गई? 1 किलोमीटर की. टाइम मुझे कितना दे रखा है? 6 मिनट. 6 मिनट. तो मुझे डिस्टेंस निकालना है. डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इन टू टाइम. टाइम निकाला किस मीटर में निकाला हुआ है ना. चलो करो, 1 किलोमीटर को क्या लिख सकते? 1000 मीटर. टाइम कितना? 6 मिनट. 6 डिवाइड बाय किसमें निकालना है मैंने? गलत. ये मीटर में कैसे? ये किलोमीटर पर आर है. यस मैम. मीटर पर सेकंड में होगा. 5/18 से करूं? यस मैम. स्पीड को चेंज ही करना होता ना मीटर पर सेकंड में. यस मैम. सिद्धांत सही है? यस मैम. टाइम कितना? 6 मिनट है. मुझे सेकंड्स में बनाना है तो क्या करूंगी? मल्टीप्लाई 60. यस मैम. करो इसको. 6 3s are 320s are. दैट मींस कितना आ गया? 100 मीटर आ गया. मतलब 6 मिनट बाद उसकी कितनी थी? 100 मीटर थी. तो हाँ यही आया. मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर चुके हैं? 100 मीटर कवर कर चुके हैं. दैट मींस कितना बाकी बचा? 100 मीटर ही बचा. 200 टोटल था ना. यस मैम. तो कितना? 100 मीटर. बताओ उसके आगे कौन सा क्वेश्चन नहीं होगा. सॉल्व करके देखेंगे. फिर भी ऊपर पर से थोड़ा सा पता लग ही जाता है कि ये होगा या नहीं होगा. इसकी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही. वरना सॉल्व करके देख लेंगे हम. कल बता देंगे. कल आप करके देखना सारे क्वेश्चंस और मुझे बताना कौन से नहीं हुए. क्योंकि सारे क्वेश्चंस तो नहीं हो पाएंगे. मतलब मैंने तो करवा ही देना, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं. आप जब तक नहीं करोगे आपके प्रॉब्लम्स नहीं निकलेंगी कि क्या प्रॉब्लम है आपको. ओके ओके. थैंक यू मैम. वेलकम.